हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है आइसोमेरिज्म का अगला पार्ट, जिसमें मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमर बचा है। कल मैंने आपको फंक्शनल आइसोमर के बारे में पूरा बताया था। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं आपने सीखा भी, फंक्शनल आइसोमर। आज छोटा सा है मेटामर, और देन उसके बाद हम लोग कवर करेंगे दूसरा पार्ट जो है कि रिंग चेन आइसोमर। एंड देन ये चैप्टर क्या हो जाएगा क्लोज, मतलब ये वाला आपका जो सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर का। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम लोग प्रोसीड करेंगे स्टीरियो आइसोमर में। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, जो बच्चे भी नहीं आए उनको भी जल्दी से लिंक भेज दिया जाए। सबके सब जल्दी से ज्वाइन कर लो बच्चों, और हम लोग करेंगे ताबड़तोड़ आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सबको बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और हम सब जानते हैं हम लोग कवर करें स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि आपका यूनिट 9 का पार्ट है ना, यूनिट 6 का पार्ट है, 9 का नहीं। सो आज हम लोग को पढ़ना है मेटामेरिज्म। नाम से आपको लग रहा है मेटा का मतलब होता है बीच में, है ना। नाम लिख लूँ पहले मैं, मेटामेरिज्म नाम से ही कुछ है कि कुछ बीच में होगा। ठीक है, मेटा का मतलब होता है इन बिटवीन, इन द सेंटर, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो किसी मॉलिक्यूल में सेंटर में कुछ चेंजेस होंगे जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल डिफरेंस आएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मेटामर्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामर्स। तो मेटामर्स क्या होते हैं समझिए, सबसे पहले मेटामर्स क्या होते हैं। मेटामेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट किसी हेटरो एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर कार्बन पेरेंट चेन के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से साइड चेन का जो नेचर है वो बदल जाता है, साइड चेन का जो नेचर है वो बदल जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं मेटामर्स। ठीक है ना, ध्यान सुनो, अब एग्जाम्पल से पहले देख लो तब छापेंगे, डेफिनेशन अभी मैं लिखवाऊंगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया CH3, CH2, CH2, OCH3। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये है, ये ईथर है बच्चों, ये ईथर है। ठीक है ना, और इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे CH3, CH2, OCH2 और एक CH3। अब आप देखो, आप ये भी नहीं बता पाओगे कि ये कौन सा आइसोमर है। आप चेन आइसोमर नहीं है, पोजिशनल आइसोमर नहीं है। ठीक है ना, पोजिशनल आइसोमर पोजिशन बदलता है। ठीक है ना, यहां पे हुआ क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट इस एटम की वजह से, जो ये वाला एटम है और इस वाले एटम की वजह से, देखिए क्या अंतर आया है। इसके बीच में आ जाने से जो हमारा पेरेंट चेन था ना, वो डिस्टर्ब हो गया। पेरेंट चेन हमारा क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे डिस्टर्ब हुआ है। यहां जरा देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से भी लो। देखो, ये ऑक्सीजन बीच में आया तो इधर कौन सा ग्रुप हो गया, इसकी वजह से इस साइड का जो ग्रुप है वो इथाइल हो गया। ठीक है ना, इस साइड का ग्रुप क्या हो गया, इथाइल, एल्किल ग्रुप था। और यहां का जो ग्रुप है वो क्या है, मेथाइल है ना, वहां का ग्रुप क्या है आपका, मेथाइल है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब ऑक्सीजन, यहां पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट पेरेंट चेन के बीच में एक हेटरो एटम ऑक्सीजन आने की वजह से एल्किल ग्रुप बदल जा रहा है। इसका नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन, इसको लिखते हैं मिथॉक्सी प्रोपेन। इसमें जो एल्किल ग्रुप था वो मिथॉक्सी था, और इसका नाम है इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। अब इथॉक्सी इथेन में देखो क्या है, एल्काइल ग्रुप बदल गया है ना, एल्कोक्सी हो गया। ये यहां से यहां तक पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप, ऑक्सीजन से जुड़ा जितना कार्बन तो उसके एल्कोक्सी बोलते हैं। और यहां पे देखो, ये यहां से यहां तक का है। ठीक है, तो ये एक कार्बन का है तो मेथॉक्सी, यहां दो कार्बन का है तो इथॉक्सी। तो जब हम देखेंगे कि बीच में, पेरेंट चेन के बीच में आ जाने की वजह से किसी भी एल्किल ग्रुप का नेचर बदल जाता है, तो ऐसे आइसोमर्स को कहा जाता है मेटामर। तो डेफिनेशन इसका ये होता है, मैं लिख दे रहा हूं, दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, यहां पे ध्यान देना, डिफरेंस इन नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए हेट्रो एटम, हेट्रो का मतलब होता है कार्बन से हट के अलग एटम होते हैं, हेट्रो एटम लाइक सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन द सेंटर ऑफ पेरेंट चैन, इन द सेंटर ऑफ पेरेंट चैन, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, ये इसका क्या है, डेफिनेशन है कि जब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस इसलिए आ जाता है क्योंकि उसमें कुछ हेट्रो एटम लाइक सल्फर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन चैन के बीचों बीच आ जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड का जो ग्रुप का एल्किल होता है, इस ऑक्सीजन के इधर देखो मेथिल है बट इस ऑक्सीजन के इधर क्या है, एथिल है, दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर बदल गया, स्ट्रक्चर में भी क्या बदला, एल्किल ग्रुप बदला, तो जब नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप बदलता है उसको मेटामर्स कहते हैं। मेटा का मतलब बीच में आने की वजह से स्ट्रक्चरल डिफरेंस आना, इज कॉल्ड मेटामर्स। बोलो बच्चों समझ में आया, ये बात समझ में आया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, ये बात समझ में आया सभी को, क्लियर है, अब आगे चले हम लोग। सो अब जो अगला एग्जांपल करेंगे, इसमें कई सारे एग्जांपल समझाऊंगा, ये ईथर में होता है, ठीक है ना, ये वाला क्या ईथर में होता है, अब एग्जांपल देखते चलो, एग्जांपल्स ये कहां कहां होता है, ये होता है ईथर में जो भी हमने देखा, तो पहला एग्जांपल ईथर में करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट एग्जांपल इज ईथर। तो ईथर्स में देखिए मैं आपको दिखाता हूं अलग अलग, ठीक, अभी देखो ये हो गया आपका एक एग्जांपल, ईथर में हमने करा ही दिया, ये तो आपको पता चल ही गया, CH3CH2CH2O CH3, इसका नाम है मेथॉक्सी मीथेन और इसका नाम है इथॉक्सी ईथेन, ये हमारे दो हो गए, ये हमारे दो कवर हो गए, ठीक है, दो कंप्लीट हो गए, अब हमारा एक हो गया इसके साथ, एक और हो सकता है क्या, CH3CH CH3O CH3, है ना, देखिए यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे पोजीशन बदल, इसको नहीं मान सकते, यहां 1 2 3, इसका जब नाम करते हैं ना तो इसके नाम आता 1 2 और 3, तो इसमें इसका नाम होता मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी, इसका नाम होता 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो इसको हम लोग पोजिशनल आइसोमर बोलेंगे, ये मेटामर नहीं कहलाएगा, इसका नाम है A1 पे, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3, इसको हम लोग लिखते हैं मेथॉक्सी, तो मेथॉक्सी प्रोपेन 1 पे है तो 1 लिखा नहीं जाता, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन मान लिया जाता है बट यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, लिखा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, तो ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर हो गए, पोजिशनल आइसोमर है, तो इनको मेटामर में काउंट मत करना, ये पोजिशनल है, और ये दोनों जो आपस में है, ठीक है, ये मेथॉक्सी और इथॉक्सी, ये मेटामर्स हैं, दीज आर मेटामर्स, तो दोनों में ध्यान रहे कि दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, गलती से भी गलत ना करने पाओ, ठीक है ना, ये गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। अब अगला दिखाता हूं, नेक्स्ट दूसरा है आपके सेकेंडरी अमीन में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहां और बनते हैं, सेकेंडरी अमीन्स में, ध्यान से देखना सेकेंडरी अमीन्स में क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी अमीन है वो क्या क्या है, एक आप देखो फॉर्मूला लेते हैं हम लोग C4H11N, ये आपका कॉमन फॉर्मूला है जिसको हम हर जगह अप्लाई करेंगे, ठीक, ये हमारा कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग अलग होने चाहिए, फॉर्मूला सेम हो स्ट्रक्चर डिफरेंस हो, है ना। अब इसमें देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले इसका अमीन बनाओ सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अमीन बनेगा CH3CH2CH2NHCH3, ठीक है, NHCH3, ये पहला स्ट्रक्चर बनेगा। सिमिलरली इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3CH2NHCH2 और ये CH3, दोनों में देखो क्या बदला, नाइट्रोजन कहां आ गया, दोनों के सेंटर में आ गया ना, यहां पे आने से इसका नाम, इसको लिखते हैं एन मेथाइल, इसका जो IUPAC नेम है ये एन मेथाइल, तीन कार्बन का अमीन है तो प्रोपेनामीन, देखो IUPAC नाम आपको आता होगा तभी ये लगेगा, नहीं आता होगा तो फिर आपको IUPAC अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दिस इज एन मेथाइल प्रोपेनामीन,
क्योंकि N पे एक मेथिल ग्रुप लगा, नाइट्रोजन पे मेथिल लगा, तो N मेथाइल, और जितने कार्बन का है अमीन, तीन कार्बन का प्रोपेन का अमीन, तो प्रोपेनामीन। यहां जब नाम लिखोगे तो N पे इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा, N इथाइल, और दो कार्बन बच गए तो इथेनामीन। तो दोनों में अंतर क्या हुआ भाई लोग, अंतर सिर्फ इतने ग्रुप का है, देखो अच्छे सभी लोग, ये N इथाइल है और ये N मिथाइल है, तो दोनों में एल्किल ग्रुप बदल गया, एक का एल्किल ग्रुप एथाइल है और एक का एल्किल ग्रुप मेथाइल है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड N एथाइल और N मेथाइल इथेनामीन। क्लियर हुआ सभी को, ये देखो सभी को क्लियर हो गया, समझ में आया दोनों में अंतर क्या है। सो ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बस आपको फोकस करना है कि सेंटर में आने की वजह से होता है, ठीक है ना, सेंटर में आने की वजह से होता है। आगे चलें, ये हमारा हो गया दूसरा सेकेंडरी अमीन में। आज आप तीसरे में चलते हैं, थर्ड वाले में, थर्ड जो हमारा है एस्टर्स में, तीसरा है एस्टर में। एस्टर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, एस्टर्स में कैसे पता चलता है, तो हम लोग यहां देखेंगे एस्टर कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एस्टर्स। एस्टर्स में क्या होते हैं, वन बाय वन देखोगे तो सबसे पहले देखो, एक नॉर्मल कंपाउंड बनाता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, O और यहां पे लगा दिया हमने बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है, एक ये स्ट्रक्चर है, और दूसरा हमने ये बना दिया। क्या दोनों के फॉर्मूले में कोई चेंज है क्या, आप लोग बताइए देख के, तो इन दोनों के फॉर्मूले में कोई चेंज आपको दिखाई दे रहा है क्या, दोनों के फॉर्मूले में चेंज है क्या। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सब लोग वीडियो लाइक कर दो जल्दी से। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, नीचे जाके देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल लिंक, टेलीग्राम का लिंक सारा है, सब वहां जुड़ जाओ, वहीं पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये पर्सनल नोट शेयरिंग करना हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर से कभी मत करना, उसके आप खुद जिम्मेदार होगे, फिर कोई नहीं जानता आपके साथ क्या हो जाएगा, सो बी केयरफुल। टेलीग्राम का लिंक में रखा हूँ, जिसको नोट चाहिए वहाँ मिल जाता है, जाके ले लो, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस बताओ जरा, कोई डिफरेंस है, नहीं है, फॉर्मूला सेम है ना, बट देखो यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा ग्रुप फेनिल है, फेनिल है, और यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा ग्रुप मेथिल है, सो बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों आपस में मेटामर्स हैं, दोनों आपस में क्या है, मेटामर हैं, दीज आर मेटामर्स। क्लियर हो गया, तो मेटामर्स में क्या होता है पता चल गया ना, बस एल्किल ग्रुप बदल जाता है, जब कोई हेटरोटम बीच में आ जाता है तो मेटामर्स आते हैं, उसको हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटामर्स। दैट इज क्लियर टू ऑल, सो यहां तक हो गया, अब मेटामेरिज्म कंप्लीट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। अब अगला जो हमें करना है वो क्या है, वो है हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज रिंग चैन आइसोमर, ठीक है ना, रिंग चैन आइसोमर। सो ये हमारा एस्टर में भी हो गया, अब आखिरी है स्ट्रक्चरल आइसोमर का आखिरी पार्ट है रिंग चैन आइसोमर, रिंग चैन आइसोमर। तो अब हम लोग रिंग चैन आइसोमर पढ़ने वाले हैं, मतलब कि हर एक चैन पार्ट होगा, उसका अगला क्या होगा, रिंग पार्ट होगा, तो एक रिंग बनेगा और एक बनेगा चैन, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, उसको हम लोग रिंग चैन आइसोमर का बात करेंगे। जैसे ये एल्कीन, जैसे पहला इसमें होता है आपका एल्कीन और साइक्लो एल्केन में, ठीक है, एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन, एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन, इनका जनरल फॉर्मूला जो है सेम है, आप अभी दिखाता हूं, CnH2n, बोथ आर, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला सेम है, तो एक एग्जांपल लेते हैं C4H8 का, ठीक है, C4H8 का, और आइए इसमें करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं रिंग और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं चैन, दोनों बनाएंगे। सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वीडियो को लाइक करें, जो बहुत पुराने हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों करें, सही सही बोला ना, ऐसे ही करना होता है, मतलब थोड़ा अपना चैनल का प्रमोशन भी जरूरी है ना,
आप लोग करते ही नहीं हो, अपने से करना पड़ता है, कितना मेहनत करें। ये है आपका एल्कीन, ये है आपका चैन आइसोमर, मतलब चैन है, ओपन चैन है सीधा। अब इसी का हम बना देंगे साइक्लिक रिंग, ये बन गया इसी का चैन साइकिल, है ना। ये हो गया चैन, ये चैन है और ये हो गया उसका रिंग, दोनों आपस में आइसोमर क्या हो गया, रिंग और चैन। देख लो CH2, 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 चार कार्बन आठ हाइड्रोजन, ऊपर चार कार्बन आठ हाइड्रोजन, तो दोनों क्या हो गए आपस में, रिंग चैन आइसोमर। इज इट क्लियर, एक रिंग है और एक चैन है। तो रिंग चैन आइसोमर में क्या होते हैं, एक रिंग पार्ट होता है दूसरा चैन पार्ट होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग चैन आइसोमर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सब लोग टाइम से जुड़ जाया करिए। क्लियर हुआ, रिंग चैन आइसोमर एक रिंग पार्ट दूसरा चैन पार्ट, तो रिंग चैन आइसोमर में यही होता है, एक रिंग होता है दूसरा उसका चैन होता है। आगे चले, दूसरा देखो एल्कीन में ये होता है और दूसरा होता है आपका एल्काइन और साइक्लो एल्कीन, एल्काइन और साइक्लो एल्कीन, ठीक है। एल्काइन और साइक्लो एल्कीन आपस में क्या होता है, रिंग चैन आइसोमर भी होते हैं, ठीक। अब देखिए कैसे, अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n-2, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। हम एक एग्जांपल उठाते हैं C4H6 का, ठीक है, C4H6 का हमने क्या उठाया जनरल फॉर्मूला, और आइए जरा इसका बना के देखते हैं। इसका एल्काइन हम जब बनाएंगे तो बनेगा CH3CH2C CH, ये एल्काइन बनेगा। देखिए ये एल्काइन बनेगा, क्लियर है सबको, क्लास 7 बजे से डेली होता है ना, 7 बजे से डेली स्टार्ट होता है क्लास, एकदम फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। एक क्लास 6 से 7, दूसरा 7 से 8, तीसरा 8 से 9 होता है, बट 7 से 8 वाला कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स होता है। तो अब देखो जरा इसमें, ये हमने इसका बना दिया साइक्लो एल्कीन, ये इसका रिंग है, रिंग आइसोमर है। फॉर्मूला काउंट कर लो CH2CH2CHCH, तो फॉर्मूला C4H6 और यहां पे C4H6, दोनों में देखो फॉर्मूला सेम हुआ कि नहीं, क्लियर है सबको, एकदम क्लियर कट है सबको, एकदम बेहतरीन दिखाई दे रहा ना, दोनों समझ में आ गया होगा, एकदम आसान था, ये हलवा था, है ना, एकदम हलवा था, किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आया कि नहीं आया, सभी लोग बताइए, आ गया। सो रिंग चेन आइसोमर भी खत्म हो गया, अब हम लोगों के पास क्या क्वेश्चन करने का टाइम है, है ना। नाउ वी हैव टू डू, जितना प्रैक्टिस कर सकते उतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके इसको हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने कंप्लीट कर दिया है, पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म हो गया, अब क्वेश्चन करने की बारी है। तो आप सभी लोग तैयार हो, ये सारा सिलेबस CUET में है, सो डोंट वरी अबाउट CUET, नीट हो, BSc फर्स्ट सेमेस्टर, पूरा सिलेबस कॉमन है, दैट इज वाई आई एम टेकिंग क्लासेस एट 7 to 8। तो जिसको जिसको जिसमें भी जाना है आप वो ये पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए वो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक व्हाट्सएप चैनल लिंक, दूसरा टेलीग्राम चैनल लिंक, दोनों सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। डेली अपडेट मैं पहले ही कर देता हूँ क्लास के, तो आपको पता रहेगा क्लास कब से कब चलना है, ठीक है ना। फंक्शन आइसोमर में बस बेटा अमाइड का जैसे अमीन था वैसे अमाइड करना था, और साइनाइड में CN NC करते खत्म हो जाता, साइनाइड आइसोसाइनाइड, इसलिए उसको छोड़े थे। अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो साइनाइड, और N ट्रिपल बॉन्ड C तो आइसोसाइनाइड, बाकी फॉर्मूला सेम होता, जिसमें अलग अलग बन सकते थे, मैंने वहां आपको एग्जाम्पल कराए थे, जो एकदम ईजी थे, जिसमें बहुत कुछ नहीं करना था उसको मैंने लीव करा था। अमाइड का अमीन का सेम चलता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और आपको साइनाइड आइसोसाइनाइड बचा था तो उसको आप कर लेते ना CN NC करके। सो रेडी फॉर द क्वेश्चन एवरीवन, एवरीवन रेडी फॉर द क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे शानदार क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप सभी लोग जो बोलेंगे वो करके दिखाइएगा। आपको मैं फॉर्मूला देता हूं C4H11N, ठीक है, फॉर्मूला है C4H11N, इसके सभी प्राइमरी अमीन ड्रॉ करो, ड्रॉ ऑल प्राइमरी अमीन, कितने प्राइमरी अमीन बनेंगे,
ड्रॉ ऑल प्राइमरी अमीन। इस फॉर्मूले से कितने प्राइमरी अमीन बन सकते हैं, आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन बना के दिखाना है। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कितने अमीन आपके बन रहे हैं सभी लोग। हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइए सभी लोग, सभी को बनाना है, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनाएगा, ठीक है ना। प्राइमरी अमीन आप सबको पता है, प्राइमरी अमीन में NH2 ग्रुप होगा, है ना, NH2 ग्रुप रहेगा, तो जो NH2 है वो प्राइमरी है। सो लेट्स स्टार्ट, चार बनेंगे, टोटल बनेंगे चार, और चारों का हम लोग करेंगे अभी IUPAC नेम। ये पहला वाला है, इसका नाम है एन ब्यूटाइल अमीन। इसका नाम क्या होगा, एन ब्यूटाइल अमीन, ठीक है, याद, इसको ब्यूटेनामीन भी कहा जाता है। एन ब्यूटाइल अमीन सबसे पहले ये है, फिर चार कार्बन का रखो, एक एन एच टू का पोजीशन बदल दो, तो जब पोजीशन बदलिएगा आप लोग तो आपको मिलेगा ये बच्चों सी एच थ्री सी एच टू सी एच एन एच टू सी एच थ्री। इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, ये भी प्राइमरी है। यहाँ पे अमीन में प्राइमरी सेकेंडरी किससे चेक करते हैं, अमीन में चार बनेगा, चार वाले सब सही हो, जिसका जिसका चार है सबका सही है, चार वाले सब करेक्ट। देन एक ब्रांच छोटा कर लो अल्कोहल की तरह, एक ब्रांच क्या करेंगे छोटा करेंगे और फिर बनाएंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू, ये हो गया आपका 2-methyl propanamine एंड देन 2-methyl 2-propanamine। जैसे अल्कोहल का चार बनाए थे एकदम सेम टू सेम बनता है ये। तो सब में आप देखो चारों आपका क्या है, प्राइमरी अमीन ही है। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया और ये चार हो गया। तो वी हैव टोटल फोर प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल फोर प्राइमरी अमीन। हो गया क्लियर, यह है ना, बढ़िया मस्त। अब आगे चलूं, एक और क्वेश्चन, ये चार बनेगा, सभी ने बना लिया था, किसका किसका सही बना, सही बनाने वालों में से मैं सबका नाम ले रहा हूं, ओम प्रकाश, मुस्कान, काजल, खुशी, सायरबाज, बजरंगी, गजब, पांच बनाया है, एक ज्यादा हो गया, ममता, खुशबू, अनुपमा, राजमणि, सुधीर, अनुज, किशन, साइंस लव, बेटा आपका तीन ही बना, कम बना, ठीक है ना, कम बना, और ज्यादा बनाना था। अब अगला चलो नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू एकदम ये सब तगड़े क्वेश्चन है, नीट उट का भी दोगे ना, अगर आप नीट में बैठ रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा मिल सकते हैं, तो हल्के मत लेना, बहुत तगड़े क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, तो एकदम जो बताइए, नीट 2016 में आया था, जो भी क्वेश्चन कराया हूँ ये NCERT में, जो लोग NCERT पढ़े होंगे कभी वो लोग जाके देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये बात तुमने एकदम जेन्युइन प्रतीक बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये पंचायत करने नहीं आया करिए, पढ़ना है तो पढ़िए, किसी कमेंट का कोई आंसर मत करो, सिर्फ हमारे कमेंट का आंसर करो, बाकी किसी का नहीं। नेक्स्ट टाइम से करोगे तो मैं हाइड टू चैनल कर दूंगा, फिर पढ़ते रह जाओगे, फिर जहाँ जाकर पढ़ना वहाँ जाकर गंदगी फैलाना, मैं कर दूंगा, उसको तो मैंने कर दिया जो पूछ रहा था, बस तुम बचे थे, तुमको भी कर देते हम, बस छोड़ दिए। अब क्वेश्चन है, फॉर्मूला है C4H8, ठीक है, C4H8 के केवल साइक्लिक आइसोमर बनाइए, ठीक है, ओनली साइक्लिक आइसोमर कितने बनेंगे, ओनली साइक्लिक आइसोमर, ओपन चेन बनाना ही नहीं है, केवल साइक्लिक आइसोमर्स बना के बताओ कितने बनेंगे। हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
हाउ मेनी मॉलिकुलर फॉर्मूला, मतलब हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिकुलर फॉर्मूला, एक उसका बताना है एंड देन C5 और H10 का इसका भी बनाना है, ठीक है। एक पहले आपको सिखा दूं, फिर आपसे और क्वेश्चन में करा लूंगा, ठीक है। आप सभी लोग पहले इसका बता दो, तब C4H8 के कितने साइक्लिक आइसोमर बनेंगे, आंसर करिए सभी लोग फटाफट आंसर। आंसर और वीडियो लाइक दो ही काम आपका है, इससे ज्यादा और कुछ मत किया करिए, ठीक है। जिसको जो जानना है पूछना है वो मैं बता लूंगा, डोंट वरी, आप लोग मत किया करिए, ठीक है। किसी को नोट्स चाहिए, कर चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास नहीं करेगा वो नोट्स लेके क्या ही करेगा, उसको जरूरत नहीं है नोट्स की। तो कितना मिला भाई, दो बनेगा, दो दो बनेगा, एक बनेगा साइक्लोब्यूटेन, सबसे पहले चार कार्बन वाला एक बना दो, काम खत्म हो जाए। फिर एक तीन कार्बन का बनेगा जिसमें एक मेथिल लगा होगा, एक CH3 लगा होगा, तो दो बनेगा बस। ऊपर वाले का केवल दो, चार कैसे, चार जबरदस्ती का चार, चार ठो कार्बन या साइक्लिक बनाना है तो चार कैसे बन जाएगा, दो कार्बन का रिंग तो हो नहीं सकता है। ममता तुम्हारा सही है, बाकी सबका गलत है, तीन चार सबका गलत है, मैं बता तो दिया दो, ये देखो कैसे दो बन गया ना, C4H8, दोनों का फॉर्मूला देखो C4H8 ही है, दोनों का फॉर्मूला C4H8 ही है। इस वाले का बताइए इसका कितना बनेगा, इसमें असली मजा है, इसमें ढेर सारा बनेगा, इसका बनाना है अच्छे से। टू मेथाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन है, टू मेथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका सबसे पहले पांच मेंबर बना लो, क्योंकि पांच कार्बन का सबसे पहले उसी को बनाते हैं। पांच मेंबर के बाद एक चार मेंबर बनाएंगे, एक चार मेंबर बनाएंगे और उसमें एक मेथाइल लगा देंगे, तो मेथाइल किसी पोजीशन पर लगा दोगे एक ही आएगा, ठीक है ना। एक पांच मेंबर और एक चार मेंबर, उसके बाद एक बनाएंगे हम लोग तीन मेंबर, बट तीन मेंबर बनाने के बाद अभी भी दो कार्बन छूट गया है ना, दो कार्बन छूट गया, तो करना क्या है, दो कार्बन का ऐसे सीधा चेन एक लगा दो, इथाइल हो जाएगा ये, है ना, एक। फिर इसको क्या कर लो, दो कार्बन का छोटे छोटे चेन बनाओ, अब दो कार्बन का छोटे छोटे चेन, एक बार क्या करो, दोनों मेथिल को एक ही पोजीशन पर रखिए, दोनों मेथिल को सेम पोजीशन पे, तो 1,1-dimethyl साइक्लोप्रोपेन। एक बार क्या करना है, एक मेथिल को यही रखना है और एक मेथिल को इधर कर देना है, तो 1,2-dimethyl प्रोपेन, इतना बन सकता है बस, इससे ज्यादा बनेगा नहीं बनेगा। ये आपको साइक्लिक बनाना था, तो ये आपका बन गया, दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो टोटल कितने हो गए, तीन दो पांच, पांच तीन बने हैं तो भी गलत है, टोटल बनते पांच, चार कैसे, पांच मैंने तो पांच बनाया और पांचों सही है, देख लो कोई गलत नहीं है, सब सही है, ऑल फाइव आर करेक्ट, तो पांच बनते। ठीक है, अब सही है, पांच अब करेक्ट हो गया, नाउ इट इज करेक्ट, पांच पहले गलत बनाए थे। अब चले आगे, अब अगला चल रहा हूं, ठीक है। आप सभी लोग देखो, नेक्स्ट आपको फॉर्मूला दूंगा C5H8, ठीक है ना, C5H8, इसके आपको बनाने हैं ऑल साइक्लिक एल्कीन, ठीक है, ऑल साइक्लिक एल्कीन बनाइए, कितने साइक्लिक एल्कीन बन सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला देखो एल्काइन का है, या तो एल्काइन बनाना है या तो साइक्लो एल्कीन बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला C5H8 है, तो CnH2n-2 है, तो ये एल्काइन का फॉर्मूला हो सकता है या तो साइक्लो एल्कीन का, तो आपको बनाना है केवल और केवल साइक्लो एल्कीन, तो आप इस फॉर्मूले से कितने साइक्लो एल्कीन ड्रॉ कर सकते हो, आप सभी लोग करिए, कोई बात नहीं, गलती वलती हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखित रहे हो ना, सब लोग लर्न करते हो तो गलतियां होती है, और एक बार गलती से सीख जाओ उसके बाद देखो गलती नहीं होगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न, एंड जब लर्न कर जाओगे तो फिर अपने आप गलती नहीं होगी, उसमें सॉरी कोई जरूरत नहीं है, यू ऑल आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट, आज नहीं तो कल आप लोगों का जमाना दौर आएगा केमिस्ट्री
लोग आपसे सीखेंगे, घबराइए मत, ये तो बस शुरुआत है। आप सही टाइम पर सही जगह से लर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तीन, तीन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी जब उसका पाँच बना तो पाँच तो इसका भी बनेगा भाई, पाँच इसका कम से कम पाँच बनता, बट सबसे पहले यहाँ बनाओ। एक बनेगा ये साइक्लोपेंटीन, पाँच कार्बन का साइक्लोपेंटीन, ये तो बनेगा ही बनेगा, तय दिख रहा है, साइक्लोपेंटीन इज कन्फर्म, ठीक है। दूसरा, अब साइक्लोब्यूटीन में आ जाओ, तो साइक्लोब्यूटीन भैया एक डबल बॉन्ड यहीं बन सकता है, एक डबल बॉन्ड उसके बगल में बन सकता है, बहुत सारे बनते हैं यहाँ पे, एक यहाँ बन सकता है, ठीक है ना, और एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं हम लोग यहाँ ऐसे, ठीक है। तो अभी चार कार्बन में तीन बन गए, तो चार तो अभी बन गए, चार तो अभी तैयार हो गए। अब उसके बाद तीन मेंबर में आ जाइए, तो तीन मेंबर में आएंगे तो सबसे पहले तो तीन मेंबर में क्या करना है, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला काउंट कर लो, दो दो चार, एक पाँच और एक छः, दो तीन दो पाँच दो सात एक आठ, एक ये बन सकता है। दूसरा हमारा जो बनता वो ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाते, ठीक है, इसमें बहुत सारे बनेंगे। तीसरा जो बनेगा वो ये, इसको यही रखते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं, यहाँ नहीं पहले यहाँ लगा लो यहाँ, और अगला जो बनेगा वो ये जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे। ये आपके सोचने से भी ज़्यादा बनते हैं, स्ट्रक्चर बस बना कर रखें, आप कोई बताना कोई कॉमन है, पांच कैसे भी बनाते जाओ, अभी और बनेगा, ये तो बस शुरुआत है। अब तीन मेंबर में आ जाओ, फिर डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, ठीक है, और एक मेथिल यहाँ लगा दो, एक ये बनेगा, ठीक है, और देन एक और बनाना है, दोनों मेथिल को एक ही कार्बन पर लगाओ, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। देखो सब अलग अलग है कि नहीं है, सब के सब अलग अलग है, कोई सेम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक और बना सकते हैं हम लोग, जिसमें क्या करना, एक मेथिल यहाँ एक मेथिल यहाँ, इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लगा देंगे और एक में लगा देंगे ऐसे, ये। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, काउंट करके देख लो, नाम लिख के देख लो, सब के सब अलग हैं, ऑल आर डिफरेंट। पांच कैसे होगा, गिनो, आप गिनो कितना हुआ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, टोटल बारह, बारह ग्यारह कैसे, अब बारह हुआ ना, टोटल काउंट कर लो बारह हो गया। तो ये ऑल आर द पॉसिबल, यही मैं बोला ना कि आप जितना सोचते हो उससे थोड़ा और ज़्यादा सोचना है, और मेरा काम यही है कि आपको लर्न करा देना है, ठीक है, आपको उतना दूर तक सोचने पे मजबूर कर देना है कि आप सोच के फिर उतना तक पहुंच जाओ। आप सब पाँच तक पहुंचे थे, है बारह, आपने आधा भी नहीं बना पाया, इसका मतलब आप थोड़ा सा, आप जो इमेजिन करने की कैपेसिटी है जहाँ तक पहुँचना है उसे काफ़ी पीछे हो। अब मैं पकड़ पकड़ कर रस्सी बांध खींचूँगा ना, आपको ले आऊँगा वहाँ तक, आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना, बारह होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल साइक्लिक एल्कीन्स, ठीक। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट बनाए ना सारा, बनाने से सब आता है, ठीक, करने से सब होता है, बस एक बार हम लोग क्या करना है, स्टार्ट कर देना है करना, सो हो जाएगा। दस ले, बारह बना दिया, अभी करिए दस होगा, सामने बारह बना हुआ था, दस कैसे होगा, सब अलग है, कोई सेम नहीं है, आप देख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट, अगला तैयार हो बनाने के लिए सभी लोग। क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहा हूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन गिवन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, आपको मैं कुछ मॉलिक्यूल का पेयर दे रहा हूं, आपको बताना है दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो आप देखो, आपको फॉर्मूला मैं देता हूं, फॉर्मूला है C4H11 और N, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका, स्ट्रक्चर ये है CH3
CH3, यहाँ एक H नहीं रहेगा। इन दोनों में ऑप्शन दूंगा, ऑब्जेक्टिव है ये, ऑप्शन में दूंगा, आप घबराइए मत। ये है और एक नेक्स्ट है CH3, CH2, NCH3 और CH3। ये दो क्वेश्चन आपके सामने, आप ऑप्शन देखिए। सबसे पहला वन, चैन आइसोमर। दूसरा पोजिशनल आइसोमर। तीसरा फंक्शनल आइसोमर। एंड फोर्थ है मेटामर्स। अब बताइए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन देख के तो सही बता ही ले जाओगे सभी लोग, है ना? तो बताइए सभी लोग। ट्वेल्थ से भी ज्यादा नहीं बन सकता है? कैसे ट्वेल्थ से ज्यादा कैसे बनता? जो बनेगा तो फिर बना के मुझे व्हाट्सएप करना। चलो सभी लोग इसके बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है। 12 से ज्यादा कैसे बन सकता है, साइक्लोएल्कीन ही तो बनाना था। ट्वेल्थ से ज्यादा जो बना उसका नाम बता सकते हो? इसका ऑप्शन सभी लोग बताइए। बच्चों सभी लोग जो लाइव हो वीडियो लाइक कर दो, सभी लोग हिट कर दो लाइक वाले बटन पे, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। चैन आइसोमर, फॉर्मूला यही है बस, दो स्ट्रक्चर बनाए ए और बी, ठीक है ना? ए और बी में आपस में बताना था रिलेशन क्या है, बस ये ए था और ये बी था, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, बस ये बताना था। सो चैन आइसोमर एक ने बताया, फंक्शनल आइसोमर होगा, चैन आइसोमर होगा। ठीक है, जो आप पूरा पढ़ते चलिए, आपको अच्छा लगेगा, सब अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, पढ़ते रहिए। चैन आइसोमर बेटा, जैन भी भदोही से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपने बैच के जो बच्चे उनको भी जोड़ सकते हैं, सबके काम ही आएगा, ठीक है? सारे बच्चे जितने हैं सबको केमिस्ट्री तगड़ा मिलेगा, मस्त केमिस्ट्री है, सब पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। तो जो बच्चे हैं उनको आप लिंक भेज दीजिएगा, उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? साइक्लिक आइसोमर आंचल क्यों बना रहा, इसमें साइक्लिक बनाना ही नहीं है, लग रहा है पीछे से जाकर कमेंट का, अभी पीछे है ये बहुत। भाई साहब सभी लोग इसी पे ना, बस यहाँ समझ लो कि हमारे पास ईंटा पत्थर नहीं है, नहीं मारे होते दांत टूट जाता तुरंत। मैं कल ही बताया था कि प्राइमरी अमीन और टर्सरी अमीन और सेकेंडरी अमीन आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, सब पढ़ाया लिखा है बेकार। ये कौन सा आइसोमर, एक कौन सा अमीन है, प्राइमरी। एक लड़का जो बजरंगी भाईजान है वो सही बताया है, और ये कौन सा है, टर्सरी है। तो प्राइमरी और टर्सरी अमीन क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं ना। कल के लेक्चर में क्या सीखे थे, हाँ यही ना सिखाए थे, क्या कैसे मतलब ये चलाओ भाई साहब, इसको गोबर मत करो। हाँ नहीं, लैमार्क के अकॉर्डिंग होता है, लैमार्क का सिद्धांत याद है, जिन चीज़ों का कम इस्तेमाल करते हैं वो इंस्टिंक्ट हो जाते हैं। पता चला बाद में आपके बच्चों के पास ब्रेन ही नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा ने तो दिमाग यूज ही नहीं किया, तो बच्चे ब्रेनलेस पैदा हो रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो, पूरा इस्तेमाल करो। चैन आइसोमर, हाँ रिलेशन ही बताना था दोनों में, एक प्राइमरी अमीन था एक टर्सरी अमीन था, और दोनों आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। यहाँ सब मारे पड़े हैं चैन आइसोमर, पता नहीं कैसे इतना पढ़ाओ लिखाओ मगर फोकस कौन करेगा। अब तो आएगा ही फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर ही था, आपको कल भी बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो डेली क्लास लेना चाहिए ना, डेली क्लास लो। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है।
देखो एक कंपाउंड हैविंग, एक कंपाउंड हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला बट उसका क्या है अलग. विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज करेक्ट फॉर दैट मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के लिए क्या करेक्ट है. ऑप्शन पहला, इट इज आइसोमर, यह आइसोमर है. दूसरा, इट इज स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर. तीसरा, इट इज होमोलोगस, इट इज होमोलोगस. और चौथा, इट इज चेन आइसोमर, इट इज चेन आइसोमर. बताइए कौन सा करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट. कुछ लोगों का सही है, सबका सही नहीं था. अब बताओ किसका किसका सही है, इसका देखते हैं कितने लोगों का सही है. इसका सही करके दिखाओ, लगाइए सभी लोग दम, करिए सही. देखते हैं कौन कौन सही करता है. चलो आ जाओ जल्दी से, फटाफट आ जाओ, आ जाओ. मुस्कान होमोलोगस, और कोई इसके अलावा, और बहुत ही आसान है. क्या दिया है, हैव सेम जनरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला. किस कंपाउंड के लिए होता है, होमोलोगस. दूसरा भी आंसर होमोलोगस आया ना. और बाकी लोग, अलग भी हो सकता है, जरूरी थोड़े होमोलोगस हो. देखो बी आया ना, ममता गौतम का बी, इट इज स्टीरियो आइसोमर, इट इज स्टीरियो आइसोमर. सेकेंड वाला आयुषी मौर्य, तुम्हारा भी स्टीरियो आइसोमर. अनुज मौर्य होमोलोगस, मानसी होमोलोगस, रेनू होमोलोगस, नहीं हाँ रेनू का होमोलोगस है, और करेक्ट आंसर भी होमोलोगस ही है. करेक्ट आंसर इज होमोलोगस. कल ही पहले दिन आइसोमर का पहला लेक्चर जाके देखो, यही लिखे हो आइसोमर का पहला लेक्चर, यही किए हो होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज का मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है. ऊपर का आइसोमर है, दूसरा भी आइसोमर है, चौथा भी आइसोमर है. आइसोमर में मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है ना. तो पहला दूसरा और चौथा तो हो ही नहीं सकता था, पहला दूसरा और चौथा हो ही नहीं सकता था. बस यही तो ध्यान देना है. हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, प्लस से सीधे माइनस में चले जाओगे. और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई चाहेगा नहीं कि प्लस से माइनस में चला जाए. क्या बोलते हो, होमोलोगस सीरीज था, मजा आया क्वेश्चन करके, मजा आया. सो अब संडे है, कल कल सब तैयार कर लेना अपना आइसोमर का, और आइसोमेरिज्म पूरा तैयार कर लो. तो एक लेक्चर एक करा देते हैं, एक टेस्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर से एक टेस्ट करा देते हैं, ठीक है. क्या क्या हो सकता है सब तैयार कर लो, कल टेस्ट कराएंगे. कल संडे क्लास नहीं चलती, संडे केवल टेस्ट होगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वी विल मीट अगेन संडे टेस्ट करते हुए.